इन टोडेज़ वीडियो वी विल गो ओवर फाइव मेजर एंटी डैंड्रफ इन्ग्रीडियंट्स जो आपको बहुत सारा शैम्पूज़ लोशनस कंडीशनर्स में देखने मिलते हैं एंड उसी के साथ साथ मैं आपको दो स्पेशल मैंशन इन्ग्रीडियंट्स भी आपको बताऊँगा ताकि जब आप नेक्स्ट अपना एंटी डैंड्रफ प्रोडक्ट ढूंढने जाए मार्केट के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया। अब जब हम ingredients की बात करते हैं, होते हैं एक कैराटिनोलाइटिक इनग्रीडियंट होता है और एक एंटी फंगल इनग्रीडियंट होता है कैरेटिनोलाइटिक मतलब जो पपड़िया जम रही है जो फ्लेक्स हो रहे हैं जो स्केल्स हो रहे हैं उनको ब्रेक डाउन करना उनको डिस्पर्स करना उनको रिमूव करना और फंगल इंफेक्शन जो मैलेसेजिया फंगस है उसका ग्रोथ कम करना उसको एलिमिनेट करना उसके लिए एंटी फंगल इंग्रीडियंट होते हैं आज जो लिस्ट है हमारे पास उसके अंदर दोनों टाइप के इंग्रीडियंट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहला इंग्रीडियंट इज कीटोकोनाजोल अब ये जो है ये आपने बहुत बार सुना है मैंने चैनल के ऊपर बहुत बार बोला है और ये आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है अब ये जो कीटोकोनाजोल है ये एक एंटी फंगल इंग्रेडिएंट है अब ये जो है कैंडिडा और मैलेसेजिया दोनों फंगस को बहुत अच्छे से एलिमिनेट करता है इसीलिए ये इतना ज्यादा पॉपुलर है अलॉन्ग विद दैट इसके अंदर एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट्स भी देखने मिलते हैं जिसकी वजह से ये एक्सेसिव ऑयलीनेस को भी बहुत अच्छे से कम करता है एंड कुछ स्टडीज के अंदर हेयर लॉस स्लो करने की प्रॉपर्टीज भी कीटोकोनाजोल के अंदर देखी गई है और यह इसीलिए फंगस को रिमूव करने के लिए स्कैल्प से उतना ही ज्यादा इफेक्टिव है जितना बाकी कोई हो कीटोकोनाजोल हो जिंक पायरिथोन हो कोई भी हो उतना ही इफेक्टिव है लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा जेंटल है ये आपके स्कैल्प के ऊपर अलॉन्ग विद डैट पिरोक्टोन ऑलोमाइन के अंदर नेटिवली स्कैल्प मॉइस्चराइजेशन या स्किन मॉइस्चराइजेशन प्रॉपर्टीज़ होती हैं सो दैट इज वाई इट इज़ सो जेंटल ऑन द स्किन अलॉन्ग विद डैट इसको दूसरे एंटी फंगल इन्ग्रीडिएट्स या एंटी डैंड्रफ इंग्रीडियंट्स के साथ क्लब करके यूज़ किया जाता है और कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया है कि पेरोक्टोन ऑलोमाइन प्लस किलम्बाजोल जो और एक एंटी फंगल इन्ग्रीडियंट है इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है एक शैम्पू में

एक्सफोलियंट का है सैलिसलिक एसिड जो है वो एक कैराटिनोलाइटिक एजेंट है वो आपकी पपड़ी फ्लेकीनेस स्केल्स उन सारी चीज़ों को रिमूव करने में डेड स्किन को रिमूव करने में और एक्सेसिव ऑयलीनेस को कंट्रोल करने के लिए काम में आने वाला है जो सेकंड स्पेशल मेंशन इंग्रेडिएंट है वो है क्लोबेटासोल प्रोपियोनेट अब इसके बारे में भी बहुत ज्यादा लोग बात नहीं करते और बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते भी नहीं है ये जो इंग्रीडियंट है ये बहुत ज़्यादा पोटेंट पावरफुल इन्ग्रीडियंट है और ये उनको मेनली यूज़ करना होता है या उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है जिनको बहुत ज़्यादा स्टबर्न डेंड्रफ होता है मतलब कुछ भी करो निकलता नहीं है बहुत ज़्यादा जमा हुआ डेंड्रफ है बहुत बड़े बड़े पपड़ियां हैं ऑयलीनेस है बहुत ज़्यादा पेन है स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन है रेडनेस है उस कंडीशन में सिवियर डेंडरफ कंडीशन में प्रोपियोनेट करके एक इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत ज्यादा काम में आता है ये जो है ये एक टॉपिकल स्टेरॉयड है इसीलिए इसको बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं यूज करना होता एंड इसको बहुत ज्यादा टाइम के लिए भी यूज नहीं करना होता ऑल्सो ये जो इंग्रीडियंट है इसको ड्राई स्कैल्प स्केल्पे लगाना होता है अनलाइक बाकी सारे इंग्रीडियंट जो आप वेट स्कैल्प स्केल्पे या वॉशिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हो अब ये जो मैंने आपको चार इंग्रीडियंट्स बताया अगर इन इनपे भी अगर आप फोकस करोगे तो भी आपका जो है वो काफी अच्छा

मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स भी इसके अंदर डाले गए हैं गुड टू बी यूज वन टू टू टाइम्स पर वीक इफ यू हैव माइल्ड टू मॉडरेट डैंड्रफ फॉर दोज पीपल जिनको थोड़ा सा स्टबर्न डैंड्रफ है थोड़ा सा ज़्यादा हैवी डैंड्रफ है तो उसके लिए आता है ये कामरे का एंटी डैंड्रफ सीरम इसके अंदर है टू परसेंट सेलेसिलिक एसिड विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड टू रिमूव दैट फ्लेकीनेस एंड इसके अंदर है क्लोबेटासॉल प्रोपियोनेट तो ये जो है ये आपको हफ्ते में एक या दो बार यूज करना है डेली यूज सीरम नहीं है ये तो ये आप यूज़ करोगे रात को सोने से पहले आधा ड्रॉपर लगाना है एंड आपको अच्छे से मसाज करना है स्कैल्प को उसके बाद ओवरनाइट रख दीजिए एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ये आप एंडी डेंड्रफ शैम्पू से आप वॉश ऑफ कर दीजिए तो जिनको भी मॉडरेट टू सिवियर है तो आप ये दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करिए अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो आप सिर्फ और सिर्फ शैंपू से भी काम चला सकते हो ओवरऑल दीज प्रोडक्ट्स आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉरगेट टू चेक देम द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट वेल। अब आता है तीसरे मेजर एंटीडेंडरफ इंग्रेडिएंट के ऊपर और वो है क्लिमबाज़ोल। इसके ऊपर भी बहुत बहुत सालों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था यह भी एक बहुत ही पोटेंट एंटी डेंट्रफ इंग्रीडियंट है ये लिटरली कीटोनाजोल के टक्कर का इंग्रेडिएंट है बहुत बार तो इसके रिजल्ट्स उससे भी बेटर आते हैं एंड इसको जो है आप 0.5 फाइव परसेंट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर प्रोडक्ट्स में बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हो द फोर्थ इन्ग्रीडियंट इज जिंक पायरिथ्योन अब ये भी बहुत ज्यादा फेमस है लेकिन ये जो इंग्रीडियंट है यह एंटी फंगल होने के साथ साथ कैराटिनोलाइटिक भी है मतलब ये फंगस को तो एलिमिनेट करेगा ही बट उसके साथ साथ आपके फ्लेकीनेस को डिसलॉज करने के लिए वो स्केल्स को ब्रेक डाउन करके रिमूव करने के लिए भी ये इंग्रेडिएंट जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है एंड द लास्ट एंटी डेंडरफ इंग्रीडियंट जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है सिलेनियम सल्फाइड अब ये अगर मैं बात करूं हमारे पूरे लिस्ट के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट इंग्रेडिएंट्स हैं ये एक एंटी फंगल एजेंट के कैटेगरी में आता है जो आपका इचिंग और फ्लेकिंग दोनों रिड्यूस भी कर सकता है लेकिन सिंस इट इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द हार्शर इंग्रेडिएंट्स इन दिस एंटायर लिस्ट बहुत सारे लोगों को सेलेनियम सल्फाइड से इरिटेशन रेडनेस और कुछ लोगों को डिसकलरेशन ऑफ हेयर भी दिखता है और अगर आप कोई एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ कैटेगरी में फॉल करते हो तो कुछ लोगों को सेलेनियम सल्फाइड के प्रोडक्ट्स यूज करने पे हेयर फॉल भी दिखता है हेयर लॉस ज्यादा होते हुए दिखता है तो वो भी आपको ध्यान में रखना है सो so, ये थे वो मेजर सेवन इंग्रेडिएंट्स जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे ओवरऑल अगर आपको माइल्ड एंड्रफ है तो आप पेरोक्टोन ओलोमाइन के पास जाइए या फिर सैलिसलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स के पास जाइए दोज आर गोइंग टू बी मोर देन सफिशियंट अगर आपको जो है वो मॉडरेट डेंड्रफ है तब आप जाइए कीटोकोनाजोल के पास पिरोक्टोनोलोमाइन के पास जिंक पायरिथोन के पास उन इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट्स के ऊपर आप मॉडरेट डेंड्रफ में फोकस कर सकते हैं और अगर आपको बहुत ज्यादा सिवियर डेंड्रफ है पेनफुल डेंड्रफ है इची डैंड्रफ है क्रॉनिक डेंटरफ है बहुत मोटी मोटी पपड़े जम रही है उस केस के अंदर सबसे पहले तो आपको डॉक्टर को मिलना ही चाहिए एंड उसके बाद जब आप प्रोडक्ट्स देखते हो या यूज करते हो या परचेस करते हो उनके अंदर इधर कीटाकोनाजोल या फिर क्लिम्बासोल या फिर क्लोबेटाजोल प्रोपियोनेट वैसे इंग्रेडिएंट्स आप ढूंढ सकते हो एक और चीज़ जाने से पहले मुझे आपको यह बताना है अगर आप ऐसे इंसान हो जो शैंपू के बाद कंडीशनर यूज करता ही है ओके okay? प्लस अगर आपको डैंड्रफ है तो जिस भी कंपनी का एंटी डेंड्रफ शैंपू आप लेते हो उसी कंपनी का एंटी डेंड्रफ कंडीशनर भी आप लीजिए दिस इज टू मेक श्योर दैट कंडीशनर के अंदर जो एंटी डेंड्रफ इंग्रेडिएंट्स है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द वंस दैट आर यूज इन द शैम्पू कई बार क्या होता है अगर आप एक ब्रांड का शैंपू लेते हो उसमें एक्स इंग्रेडिएंट्स होते हैं और अगर आप दूसरे ब्रांड का कंडीशनर लेते हो उसके अंदर कोई और ही इंग्रेडिएंट्स होते हैं दे डोंट मैच रियली वेल और उसकी वजह से आपके स्कैल्प के अंदर इरिटेशन हो सकती है ज़्यादा फ्लेकीनेस बढ़ सकती है ज़्यादा ड्राइनेस हो सकती है तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स कैन हैपन तो जिस ब्रांड का आप शैम्पू लेते हो

गो हैड एंड चेक दिस टू वीडियोज़ आउट जब तक हम लोग अगली बार मिले बी ऑसम कीप यो बियड ऑसम एंड आउल मीच यू इन द नेक्स्ट वन बाय गाइस